अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड में एक ठंडा व्यवहार दिखने मिल रहा है। जब लेवल्स की बात करें तो गोल्ड एक 1290-1300 डॉलर के आसपास एक रेजिस्टेंस फील कर रहा है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एक फर्स्ट राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है, यहाँ पर जो यानी सिल्वर की आगे जो चाल दिख रही है वो एक पुल बैक के बाद लग रहा है कि वापस सिल्वर एक ऊपर की तरफ बढ़ने की संभावना पूरी तरह दिखा रहा है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे 15.65 डॉलर्स के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा है। समाउ अगर वो रेजिस्टेंस निकाल देता है सिल्वर तो यहाँ से लगभग 16.20 डॉलर्स तक की मूव देखने मिल सकती है। तो सिल्वर में अभी भी एक अच्छा ट्रेड सेटअप लग रहा है, सिल्वर लग रहा है कि आगे जाके यहाँ से एक अच्छी बढ़त देख पाएगा। अभी हम अगर ब्रेंट और क्रूड की बात करें तो क्रूड काफी दिनों से एक ब्रॉड रेंज में चल रहा है, ऊपर की तरफ 55.50, नीचे की तरफ 50.50 डॉलर्स, यही रेंज में क्रूड जो ट्रेड कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल क्रूड ये रेंज से ब्रेकआउट दे पाता है तभी ये यहाँ से एक फ्रेश मूव आ सकता है, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन जो क्रूड का है वो जारी रहेगा। डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स जो है अपने निचली स्तरों के पास, निचले सपोर्ट के पास आके सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर 95.50 से 94.50 ये एक डॉलर का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये डॉलर इंडेक्स ये अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पे थोड़ा दबाव और देखने मिल सकता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अपने रुपए पर और गोल्ड पर देखने मिलेगा। अगर यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर ने भी एक निचले स्तर के पास आके रुका हुआ है 69.50। अगर कल का अगर हम लो देखें तो वो लगभग 69.40 के आसपास था, तो 69.40-69.50 एक अच्छा सपोर्ट है, जिसके ब्रेक करने पे रुपया 68.50 तरफ फिसल सकता है, तो जिसका क्लियर कट इम्पैक्ट हमको गोल्ड के प्राइस में देखने मिल सकता है। भारतीय वायदे बाजारों की जब बात करें गोल्ड में, यहाँ पे एक लगभग लास्ट दो या तीन दिन से एक मिला जुला व्यवहार है। ट्रेंड हालांकि पॉजिटिव रहा है बट यहाँ पे कुछ ज्यादा बढ़त देखने नहीं मिली है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अनलेस एंड अनटिल कुछ मेजर मूव आता है गोल्ड में एक साइडवेज एक्शन देखने मिल सकती है। अगर हम लेवल की बात करें तो ऊपर की तरफ जो एक रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस गोल्ड को है वो 31,770, ये रेजिस्टेंस गोल्ड के लिए बहुत मायने रखेगा। उसके ऊपर ही निकलने के बाद गोल्ड में 32,000-32,500 तक का मूव देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पर सिल्वर की बात करें, सिल्वर में यहाँ पर एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पर भी अभी पॉजिटिव है। अगर हम लेवल्स की ऊपर की तरफ की बात करें तो लगभग 38,900 से 39,000 ये जो लेवल है ये सिल्वर के लिए बहुत मायने रखेगा। 39,000 निकालने के बाद सिल्वर में हम देख सकते हैं कि 40,200 तक का मूव आ सकता है। और अगर निचले स्तरों की बात करें तो निचली तरफ हम लोग के पास है 38,000 से लेके 38,300, ये सिल्वर का एक सपोर्ट है। यहाँ पर मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जो सिल्वर में काफी फायदेमंद रहेगी।